क्या प्रभास और दीपिका पादुकोण स्टारर कल्की 2898 एडी है हॉलीवुड फिल्म ड्यून की कॉपी? फिल्म के एक नए पोस्टर की रिलीज के साथ ही नेटिजंस ने किया क्लेम, जिस पर फिल्म के डायरेक्टर नाग अश्विन का रिएक्शन सामने आया है। नाग अश्विन ने बताया आखिर क्यों कुछ लोगों को ये लग रही है कॉपीड फिल्म, और इसी के साथ आपको बताएंगे कि क्या फिल्म के प्रमोशंस में शामिल होंगी प्रेग्नेंट दीपिका पादुकोण। वेल, कल्की 2898 एडी को लेकर खूब बस है, खासकर की फिल्म के नए पोस्टर के रिलीज के बाद से, जिसके साथ ही फिल्म की न्यू रिलीज डेट से भी पर्दा हट गया है। और प्रभास, दीपिका और अमिताभ बच्चन स्टारर ये फिल्म अब इस साल जून 27 को थिएटर्स में देने वाली है दस्तक। इसका ऐलान करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, ऑल द फोर्सेस कम टुगेदर फॉर अ बेटर टुमारो ऑन 27/6/2024। और एक पोस्टर शेयर किया जिसमें फिल्म के लीड्स प्रभास, दीपिका और बिग बी नजर आए। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर ये पोस्टर सरफेस हुआ, फिल्म को लेकर एक बार फिर ये बात फैलने लगी कि नाग अश्विन की ये फिल्म हॉलीवुड फिल्म ड्यून से मेल खाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्म के लेटेस्ट पोस्टर पर दीपिका की झलक लोगों को हॉलीवुड कैरेक्टर जिंदाया की याद दिलाती है फ्रॉम ड्यून। ऐसे में दोनों फिल्मों का कंपैरिजन शुरू हो गया, और एक रीसेंट इंटरेक्शन में कल्की 2898 एडी के डायरेक्टर से इस कंपैरिजन पर उनका ओपिनियन पूछा गया, जिस पर नाग अश्विन ओपन अप हुए और जवाब में हंसते हुए कहा, यस, वेयरएवर यू सी सैंड इट लुक्स लाइक ड्यून। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रभास और दीपिका स्टारर फिल्म को किसी हॉलीवुड फिल्म से कंपेयर किया गया हो। इंस्टेड, इस साइंस फिक्शन फिल्म के कॉन्सेप्ट, विजुअल्स और क्राफ्ट ने पहले भी यूजर्स को एहसास दिलाया है कि ये एक बिग हॉलीवुड फिल्म से मिलती जुलती है। बट लुक्स लाइक फिल्म के डायरेक्टर ये बात मानने को तैयार नहीं है। वही मेकर्स कोई कसर नहीं छोड़ रहे कल्की 2898 एडी को एक ग्रैंड फिल्म बनाने में। इसके अलावा फिल्म को लेकर ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं कि ड्यू टू लोकसभा इलेक्शंस इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश ऑन मई 13, प्रोड्यूसर्स ने फिल्म की रिलीज डेट पुश की। रिपोर्टेडली इंडिया की अब तक की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म मानी जा रही है, जिसे बनाने में काफी पैसा खर्चा हुआ है। यही वजह है जो मेकर्स ने बिना किसी रिस्क के रिलीज डेट चेंज कर दी। वैसे फिल्म सर्कल में ऐसी खबरें हैं कि मेकर्स ने फिल्म के हिंदी वर्जन के लिए मुंबई में एक्सटेंसिव प्रमोशंस प्लान्स बनाए हैं, जो जल्द स्टार्ट होंगे और जिसमें एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी हिस्सा लेंगी। यानी दीपिका को फिल्म के प्रमोशंस में शामिल किया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि उन्होंने इसके लिए अपनी डेट्स अलॉट कर दी हैं। पर क्योंकि दीपिका एक्सपेक्टिंग है, इसलिए शी वोंट बी ट्रैवलिंग फॉर द प्रमोशंस, बट विल बी गिविंग इंटरव्यूज टू द कल्की टीम। ऐसे में बस प्रभास, दीपिका और अमिताभ बच्चन के फिल्म के प्रमोशन शुरू करने की देरी है, जिसमें कमल हसन भी की रोल में देखे जाएंगे। सोनू सूद रिसेंटली हो गए हैं काफी परेशान। Well, सोनू सूद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ना सिर्फ एक जाने माने एक्टर हैं, बल्कि अपने नेक काम और दरिया दिली के लिए भी काफी मशहूर रहने लगे हैं, और हर दम नीडी की मदद भी करते हैं। पर हाल ही में 61 से भी ज्यादा घंटों के लिए उनका व्हाट्सएप हो गया ब्लॉक, जिसे लेकर वो इरिटेट हो गए। पर जब फाइनली 61 घंटे के बाद उनका व्हाट्सएप अकाउंट रिकवर हुआ, तो इसके लिए उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की ऑन सोशल मीडिया। इसके साथ ही एक्टर ने बताया कैसे इसी बीच उन्हें आए 9483 मैसेजेस। सोनू सूद ने इस बात की जानकारी अपने फैंस और चाहने वालों को देते हुए लिखा, फाइनली रिट्रीव्ड माय व्हाट्सएप, जस्ट 9483 अनरेड मैसेजेस इन 61 आवर्स, थैंक्स। इससे पहले जब उनका व्हाट्सएप अकाउंट कई दिनों तक नहीं वर्क किया था, तो उन्होंने अपनी नाराजगी एक्सप्रेस करते हुए कैप्शन में लिखा, दैट ऑन इंस्टा स्टोरीज, व्हाट्सएप व्हाट्सएप वेक अप, थाउजेंड्स ऑफ नीडी पीपल मस्ट बी डेस्परेटली ट्राइंग टू रीच आउट फॉर हेल्प, काइंडली लुक इनटू दिस अकाउंट स्टैंड्स ब्लॉक्ड। बता दें, सोनू सूद 2020 के लॉकडाउन के दौरान नीडी पीपल की हेल्प करने में एक्टिवली इन्वॉल्व रहे हैं। द एक्टर अरेंज्ड बस ट्रांसपोर्ट फॉर माइग्रेंट वर्कर्स हु वांटेड टू रिटर्न टू देयर होम टाउन्स ड्यूरिंग द कोरोना वायरस पेंडेमिक। वेल, पेंडेमिक के दौरान अपने सोशल वर्क से हेडलाइन बनाने वाले सोनू सूद ने आज भी अपने गुड डीड्स जारी रखे हैं, और जिसके लिए नो डाउट उन्हें ब्लेसिंग्स के साथ प्यार भी खूब मिल रहा है। रिसेंटली इस बात का सबूत तब फिर मिला जब उनके एक फैन ने उनका रेस्टोरेंट बिल पे किया और एक स्वीट नोट छोड़ा, दैट रेड, थैंक यू फॉर ऑल द गुड वर्क दैट यू डू फॉर द कंट्री, जिसे सोनू सूद ने अपनी स्टोरीज में शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, आई डोंट नो हु डिड दिस बट समवन पेड फॉर द एंटायर बिल ऑफ आवर डिनर एट अ रेस्टोरेंट एंड लेफ्ट दिस स्वीट नोट, रियली टच्ड बाय दिस जेस्चर, थैंक यू बडी, मींस अ लॉट। साफ है सोनू सूद अपने नेक काम से कईयों का दिल जीत चुके हैं। वहीं वर्क फ्रंट पर सोनू साइबर क्राइम थ्रिलर टाइटल फतेह में दिखाई देंगे, जिसमें जैकलिन फर्नांडिस उनके साथ लीड रोल में हैं। इस प्रोजेक्ट को सोनू सूद ने खुद ही डायरेक्ट किया है, एंड इट इज शेड्यूल्ड फॉर रिलीज दिस ईयर।
इमरान खान 9 साल बाद फाइनली इंडस्ट्री में अपना कमबैक करने में हो पाएंगे कामयाब। इमरान पिछले कुछ समय से कमबैक करने का सोच रहे हैं और जिसके लिए रिपोर्टेडली उन्होंने एक वेब सीरीज फाइनल भी कर ली थी, पर अनफॉर्चुनेटली वो हो गई शेल्फ। अब फिर से इमरान अपने वापसी को लेकर सुर्खियों में है। जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने तो इमरान खान ने ऑफिशियली अपना कमबैक प्रोजेक्ट कंफर्म कर दिया है। इमरान, जिनके करियर को शेप देने में आमिर खान का खास रोल रहा है, अब एक बार फिर से उन्हीं की प्रोडक्शन कंपनी की फिल्म से अपना रिटर्न मार्क करेंगे और जिसका टाइटल हैप्पी पटेल बताया जा रहा है। वेल, हैप्पी पटेल नाम की इस फिल्म में इमरान हैप्पी पटेल के कैरेक्टर में दिखाई देंगे। ये एक लाफ्टर फिल्ड रायट होगी और इंडस्ट्री इनसाइडर्स के मुताबिक फिल्म की शूटिंग गोवा में ऑलरेडी हो चुकी है स्टार्ट। सोर्सेज ने रिवील किया, इमरान हैज फाइनली लॉक्ड इन हिज कमबैक प्रोजेक्ट नियरली 8 मंथ्स आफ्टर ही हिंटेड एट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिटर्निंग टू मूवीज लास्ट ईयर। He will star in and as Happy Patel in a quirky comedy produced by Aamir Khan Productions. The film is a laugh riot and is set in a familiar yet uniquely fresh world, reminiscent of Imran's previous works. Shooting has already commenced in Goa. Imran ki eagerly anticipated film ko Veer Das karne wale hai direct. Veer Das black comedy Delhi Belly mein Imran ke saath collaborate kar chuke hai, which was also backed by Aamir Khan, par ab pehli baar acting chhod Veer ne director's hat pehni hai, yani ye unki directorial debut film hai, aur isme Imran act karenge. यहाँ आपको बता दे, इमरान ने जाने तू या जाने ना से जेनेलिया डी सूजा के साथ अपना डेब्यू किया था और बॉलीवुड के चॉकलेट बॉय बन गए थे। हालांकि लास्ट उन्होंने कंगना रनौत के साथ कट्टी बट्टी की इन 2015, जो एक बड़ी फ्लॉप निकली और जिसके बाद उन्होंने फिल्म से ब्रेक ले लिया। अब जब इमरान ने अपने अंकल आमिर खान के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म को फाइनल कर लिया है, वी जस्ट होप ये उनके लिए एक परफेक्ट कमबैक हो। वही अपकमिंग फिल्म हैप्पी पटेल से जुड़ी बाकी डिटेल्स अभी रिवील नहीं हुई है, लेकिन खबरें हैं कि फिल्म में मोहा सिंह इम्पोर्टेंट रोल में है, फीमेल लीड को लेकर मिस्ट्री है और फिल्म में आमिर खान के कैमियो अपीयरेंस को लेकर रूमर्स तेज है। साउथ सुपरस्टार महेश बाबू अपनी मच टॉक अबाउट फिल्म SSMB29 के लिए कर रहे हैं बल्क अप? क्या इस फिल्म में नजर आने वाला है महेश बाबू का नेवर एवर बिफोर सीन अवतार? फैंस ने एक शादी में पहुंचे एक्टर के लुक को कर दिया है डिकोड। महेश बाबू अनडाउटेडली साउथ सिनेमा के एक लेजेंड हैं, उनकी पॉपुलैरिटी किसी से छिपी नहीं। और जब से रिपोर्ट आई है कि बाहुबली फेम डायरेक्टर SS राजामौली के साथ महेश बाबू एक प्रोजेक्ट SSMB29 कर रहे हैं, फैंस अपनी एक्साइटमेंट छिपा नहीं पा रहे हैं। इस फिल्म को लेकर अक्सर रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि कैसे ये महेश बाबू की अब तक की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म होगी और वो इसके लिए खास तैयारी कर रहे हैं। लेकिन रिसेंटली महेश बाबू अपनी वाइफ और डॉटर के साथ एक वेडिंग में पहुंचे तो फैंस उन्हें देखकर हैरान रह गए। दरअसल महेश बाबू ज्यादातर स्लिम और लीन अवतार में नजर आते हैं, लेकिन उनके इस करंट लुक में उन्होंने काफी बल्क अप किया है और उनके मसल साफ नजर आ रहे हैं। साथ ही उनके बाल भी नॉर्मल से ज्यादा बढ़े हुए हैं और अब फैंस गेस करने में लगे हुए हैं कि क्या महेश बाबू ने बल्क अप अपने SSMB29 प्रोजेक्ट के लिए किया है। एक यूजर ने लिखा, बॉडी बल्क एंडी, ही इज गेटिंग रेडी फॉर ग्लोब ट्रॉटिंग एंड वर्ल्ड इज वेटिंग। एक और फैन ने उनके इस लुक को देखकर उन्हें ग्रीक गॉड बुलाया। वैसे SS राजामौली के साथ उनके एसोसिएशन को काफी स्पेशल बताया जा रहा है और खुद SS राजामौली ने इस फिल्म को लेकर अपडेट को शेयर करते हुए कहा है, वी हैव फिनिश्ड राइटिंग एंड वी आर करंटली प्रिपेयरिंग फॉर प्रोडक्शन, हाउएवर वी स्टिल नीड टू फिनिश कास्टिंग, द ओनली पर्सन हु इज लॉक्ड इज द लीड महेश बाबू, ही इज अ टैलेंटेड एक्टर, ही इज वेल नोन टू मेनी ऑफ यू, ही इज रियली अट्रैक्टिव। वेल, इस प्रोजेक्ट का फैंस को बेसब्री से इंतजार है और जिस तरह शूटिंग से पहले ही इस फिल्म को लेकर हाइप बन गई है, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म कुछ नए रिकॉर्ड्स बना सकती है।
संजय दत्त को सोशल मीडिया पर मिल रहा है जमकर क्रिटिसिज्म। संजय दत्त ने फैन को दिया धक्का और उनका ये रवैया बना उनके ट्रॉल का कारण। दरअसल संजय दत्त को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। जहां तक संजय दत्त के एयरपोर्ट लुक की बात करें तो वो यहां नजर आए पिंक कलर के शॉर्ट कुर्ते और कार्गो पैंट्स में, जिसमें वो काफी स्टाइलिश लग रहे थे। लेकिन एयरपोर्ट से उनकी जो तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे हैं, उन्हें जमकर ट्रॉल किया जा रहा है। दरअसल एक्टर के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे एक फैन को धक्का देने के लिए उन्हें ट्रॉल किया जा रहा है। वीडियो में संजय दत्त रुककर तस्वीरें खिंचवाने के मूड में नहीं दिखे और उन्होंने पैपराजी से कोई बातचीत नहीं की। यहां तक कि एयरपोर्ट पर वो एक फैन से नाराज भी हो गए। चिढ़े हुए संजय को फैन को दूर धकेलते हुए देखा गया। हालांकि उन्होंने शांति बनाए रखी और जल्दी से अपनी कार की ओर चल दिए। संजय दत्त के प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो एक्टर रवीना टंडन, मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल और जैकी श्रॉफ के साथ फिल्म बाप में नजर आएंगे। उनके पास अक्षय कुमार के साथ वेलकम टू द जंगल भी है। ये फिल्म 20 दिसंबर 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाबा कैसे हो?